तो दोस्तों आपने चावल तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको चावल के कई ब्रांड दिखाएंगे जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो आपको बताना है, सिर्फ कमेंट में इसका नाम बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। आप चावल देखिए, पहले चावल की क्वालिटी देखिए, और बहुत ही सुंदर चावल, एक एक दाना आपको दिखेगा। आपने शायद, मुझे तो पता ही आपके घर में नहीं, अगर आपको चाहिए तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। ये देखिए, अब चावल की, ये पहला चावल था, इसका नाम जो बताए ये हो गया फर्स्ट चावल। समझ में आ गया होगा आपको चावल कितना सुंदर है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। दूसरा ये चावल है, आज आपको पूरा चावल के खदान मिला है। देखिए चावल, देखिए नाम नहीं बताएंगे भी हम आपको, आप लोगों को खुद जो चावल की फैक्ट्री चलाते हैं, जो चावल के मास्टर हैं, वो इसमें आए और इसका नाम बताएं। देखिए कितना सुंदर। तो आपको कई तरह के आज चावल हम दिखाएंगे, लगातार वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, मैं इसलिए अच्छे से बारीकी से दिखा रहा हूँ ताकि आप ये ना कह सके मुझे दिखाया नहीं गया। ये दूसरा चावल था, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा चावल, इसका नाम बताइए। ये थोड़ा उसी से मिलता जुलता है, और ये देखिए ये थोड़ा अलग था। तो ये तीसरा चावल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम आपको बताना है। बहुत प्यारा, कमेंट सेक्शन में फटाफट जाइए, और जो चावल के होनहार परखी हैं वो जल्दी जल्दी बताएं। चौथा चावल हमारे सामने, ये देखिए, इस चावल का नाम बताइए। चौथा नंबर का चावल है ये। सारे चावल अलग अलग होते हैं, लेकिन इसे कोई किसान ही बता सकता है, ठीक है। तो चावल इतना आसान नहीं, चावल का नाम बताना, मैं तो नाम नहीं जानता हूँ। ये देखिए, ये येलो कलर में है, इस चावल का नाम आप बता सकते हैं, शायद आपने देखा हो। और एक एक दाना देखिए, सोने के जैसा चमक रहा है। देखिए कितना सुंदर चावल, पर नाम शायद आप नहीं जानते हैं, इसलिए जो लोग कमेंट में अभी तक बता नहीं पा रहे हैं, मुझे लगता है आप लोगों ने चावल की पहचान नहीं है। तो चावल की अगर पहचान है तो फटाफट बताइए। ये पांचवें नंबर का चावल था। छठवें पे चलते हैं। छठवा चावल आप देखिए, ये भी वो येलो था। ये देखिए फर्क देखिए दोनों में, इतना प्यारा सुंदर चावल। ये छठवें नंबर का चावल है, बहुत सुंदर चावल। सातवां नंबर मेरा लकी नंबर है, और लकी नंबर पे भी चावल बहुत ही सुंदर, येलो कलर का देखिए। अच्छा, मेरे हिसाब से तो सब चावल का फेस कहीं ना कहीं सबका सेम मिलता है, लेकिन खाने का स्वाद का बहुत ही अलग होता है, सबका नाम अलग होता है। जैसे आम लेने जाइए तो मार्केट में कई तरह के आम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एकदम येलो है, और पूरा इसकी क्वालिटी एकदम प्यारी है। आठवें नंबर पे चलते हैं। यहाँ पर सुगंध अच्छी आ रही है, और इसकी सुगंध बड़ी दूर तक जा रही है। इस चावल की खासियत कुछ सबसे अलग है, कुछ अलग टेस्ट है इसका, बहुत ही मस्त चावल है। तो आपके पास यहाँ पर 90 किस्म के चावल हैं भैया जी के पास, तो आपको नाम बताना है, ठीक है। अभी हम ले चलते हैं आपको नौवां डिब्बा। ये नौवां है, और इसमें भी बहुत प्यारी सुगंध आ रही है। ये चावल ढक्कन खोलते ही इतना सुंदर महक था, जिसकी कोई बात नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अभी हम आपको बाद में बताएंगे ये चावल आपको कहाँ मिलेगा, कितने रुपए में मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, जब आप हमें कमेंट करेंगे, चावल जिसको चाहिए है वो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में भी है, स्क्रीन पर भी नंबर है, तो आप हमें नंबर पर संपर्क करके हमसे चावल ले सकते हैं। इसको होलसेल में ले सकते हैं, रिटेल में ले सकते हैं, बहुत तरह की बोरियाँ भी है, ठीक है। अभी देखिए ये चावल, ये दसवें नंबर का चावल है। तो हमने 10 तरह के चावल आज आपको दिखाए हैं, और ये 10 तरह के चावल, लेकिन अगर हम चावल की बात करें तो यहाँ पर ब्रांड है, बहुत सारी ब्रांड है, इसलिए अभी हम आपको ब्रांड नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आपको चावल के नाम बताने हैं। बाकी चावल के तो भंडारे हैं, तमाम तरह की बोलियाँ हैं, लेकिन
आपको चावल का नाम बताना है, और जिसको भी चावल चाहिए हाई रेट पर लो रेट पर सभी तरह की चावल यहाँ पे अवेलेबल है। ये 10 तरह के डिब्बे मैंने आपको जो दिखाए हैं ये अपने आप में अलग अलग चावल हैं और सबका अपना अलग अलग स्वाद है। कमेंट बॉक्स में बताएं सबसे अच्छा चावल इसमें से कौन सा है और आपको कौन सा चावल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा चावल, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा चावल, ये सातवा चावल, ये आठवां नंबर का चावल, ये दसवां, नौवां सॉरी, और ये आखिरी दसवां। इन दसों चावल का नाम अगर आप बता देते हैं तो मुझे लगता है आप अच्छे ज्ञानी हैं, चावल के मास्टर हैं। और कमेंट में मुझे फटाफट बताएं आपको चावल खाना कितना पसंद है, किनको किनको चावल ज़्यादा पसंद है ठंडी में।